1994 में मजरूह सुल्तानपुरी फिल्मी दुनिया के ऐसे पहले लेखक बने जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलम को पहली बार इज्जत दी गई है और ये चीज हमारे ज्यादा संतोष की बात है। मुझे मिला, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मिला। लेकिन मेरे अलावा किसी मेरे और किसी भाई राइटर को मिला होता तो भी मुझे खुशी होती कि चलो पेन को रिकॉग्नाइज। तो मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1945 में फिल्म शाहजहान से की। मुशायरे में मैं आया था बॉम्बे एज ए पोएट। उस जमाने में एआर कारदार एक उर्दू फिल्म शाहजहां प्लान कर रहे थे, उनको एक उर्दू राइटर होना चाहिए था। रात को उन्होंने मुशायरे मुझे सुना तो उनको मुझ में कुछ नज़र आया। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया कि आप, इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प हुआ उनका। आपने कभी गाना लिखा है? मैंने कहा कभी नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको कोई बड़ी चीज़ समझता नहीं हूँ, आई कैन राइट वेरी वेल। तो उन्होंने मुझे एंगेज कर लिया। लेकिन अपना नाम मजरूह रखने का ख्याल कैसे आया? लोग अपना पेन नेम तो खुद सेलेक्ट करते हैं, मेरा पेन नेम मेरे दोस्तों ने बैठ के चार पांच ने कई नाम ढूंढते होते उनका मजरूह ठीक रहेगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक रहेगा, वरना मेरा असरार हसन खान नाम है, मैं असरार करता था। तो असरार कहो कैसे हो, असरार तुम पे क्या बीती वगैरह, तो अब मजरूह कहो कैसे हो, मजरूह तुम पे क्या बीती, अभी हो गया। किन संगीतकारों के साथ सबसे अच्छे गीतों की रचना कर पाए? बेसिकली आई एम पोएट, तो जहाँ जहाँ मुझे कुछ पोएट्री के बारे में कोई एलिमेंट देने का मौका मिला है वहाँ मैं छोड़ा नहीं मैंने। लेकिन ज़्यादा हम ला सके किन के साथ? बर्मन के साथ। मजरूह वो नाम है जो कभी पुराना नहीं पड़ा, और हमारे एक्सप्रेशन का जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम इस तरह यूज़ करें कि वो हमारे लोगों को इंटरटेन भी करें और उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद दे, बुरे इंसान ना बने हमारे उस इंटरटेनमेंट से। वो रिफ्रेश हो, एस्थेटिकली एनरिच हो, मॉरली बेहतर हो।